हेलो। हाँ सेक्रेटरी, मैं हेल्थ मिनिस्टर का पीए बोल रहा हूँ। पैसे मिल गए ना? हाँ मिल गया। हाँ तो मैं गोदाम में जाकर माल पहुँचा कर आता हूँ। अच्छा वो डिन किधर है? हाँ एंजॉय के लिए टाइम पास कर रहा है। ओहो मैं भी जल्दी आता हूँ यार। उड़ीसा वासियों को, बंगाल वासियों को समझो किसी कुत्ते ने काट लिया। दोनों का दर्द एक जैसा ही हुआ ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन्हें कुछ अलग दर्द हो रहा है, उन्हें कुछ अलग दर्द हो रहा है। आप मुझे बताइए ये कैसा इंसाफ है? मैं 25 सालों से जनता की सेवा करता आया हूँ, सारे इलेक्शन जीत कर हेल्थ मिनिस्टर बना हूँ। इस स्टेट में सारे गरीबों को इलाज के लिए मुफ्त दवाइयाँ प्रदान करूंगा, ऐसा वचन देता हूँ। नमस्कार। हे भगवान, तू आदमी का डॉक्टर है या घोड़ों का डॉक्टर है? इतने सालों से सर मुंडवाते आ रहा हूँ, तू बता मेरे सर पर एक भी बाल उगा है क्या? मॉडर्न ट्रीटमेंट में जरूरत के हिसाब से दवाई देते हैं सर, लेकिन बड़े लोग कुछ और ही कहते हैं ज्यादा दिमाग चलाने वालों के बाल नहीं उगते हैं सर। आप तो कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाते हैं, इसलिए आपके एक भी बाल नहीं उग रहा है। सर में भेजा हो तो उसे दिमाग कहते हैं जी, लेकिन इनके सारे शरीर में दिमाग ही है, यही कहना चाहते हो ना? जरूर चर्बी होगी। बालाजी भगवान आपके मंदिर में बहुत से लोग आकर बाल निकालते हैं, उन भक्तों में से किसी एक का बाल इनको भी दे दो, नहीं तो हमारे साहब खाना नहीं खाएंगे। अच्छे मौके पर आया है, ये दूध भी गाय का है, चल पी ले। ठीक है। दूध बहुत टेस्टी है सर। थैंक्स। अरे भंडारी, क्या अब मेरे लिए कोई अच्छा फैमिली डॉक्टर ढूंढ। इसका क्या होगा? ये गया, खेल खत्म, दुकान बंद। सर। ए, आवाज मत कर, आज तूने मेरा टकला देख लिया है, अब तू इस टकले के बारे में तेरे बीवी को बताएगा, फिर वो अपने पड़ोसियों को बता देगी, उसके बाद परसों गली मोहल्ले को पता चल जाएगा, फिर सारे शहर को पता चल जाएगा, और फिर सारी पब्लिक टकले कहने लगेगी। फिर मेरे इज्जत का क्या रह जाएगा? इसीलिए मैंने तेरे दूध में जहर मिला दिया। साहब आपने ये क्या कर दिया? ए, कुछ भी टेंशन मत ले, अभी मरा नहीं है, सो रहा है, पानी मार उसके मुंह पर अभी उठकर बैठ जाएगा। साहब आपने तो कहा था कि उसमें जहर मिलाया है। अरे वो तो अलग रखा है, तुझे चाहिए क्या? नहीं नहीं अपने पास ही रखिए। लगता है वो लोग आ गए। तू मेरे सर पर मेरा ताज पहना, मैं आंखों में लेंस लगाता हूँ। देव कहाँ है? पैसे भिजवा दिए भाई, वो लगता है बाद में आएगा। खोलो। खोल इसे। ए, आप सभी लोग अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। रुकिए रुकिए। ओके ओके, आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, हेल्थ मिनिस्टर आने वाले हैं, उनके आने तक रुकिए। एक्सक्यूज मी, अंदर बॉडी है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? आई मीन अंदर की डेड बॉडी है क्या? तेरी जैसी हिल रहा है, जाके वहाँ देख ले। कान में मशीन लगाया है क्या? इंडिया 125/2, सचिन तेंदुलकर। पागल है। सर सर आप बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे किसका हाथ है? हेल्थ सेक्रेटरी बनर्जी की लाश अभी तक नहीं मिली सर। अपने बेचे हुए मेडिसिन के 25 करोड़ रुपए वो इन्हें मारने के बाद उठाकर ले गया और गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिए। जर्नलिस्ट हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, अब तो ये नेशनल इशू हो गया है सर। इतना होने के बाद भी उस क्रिमिनल के बारे में छोटा सा क्लू भी नहीं मिला। किसी ने बड़ी सफाई से काम किया है। क्लोज सेंट्रल में चली हुई डील के बारे में उसने कैसे पता लगाया, आप बताइए। मुझे शक है कि हम में से ही कोई एक है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। ए, चलो हटो हटो। आई सर।
अपना ही आदमी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, मतलब किसको दे रहा है, कौन है वो, कहाँ रहता है? अरे पेट निकाल के चल रहा है, बहुत खाता है क्या? Come on, quick, जल्दी चलो। गणेश, तुमने उन लोगों को मारकर बहुत अच्छा काम किया है, और आगे क्या करोगे? दिव्यानी को आने दो। कैदियों के साथ साधना करने साध्वी जी आ रही हैं, उन्हें पास देकर अंदर आने दो। हमारी तरह ही गणेश, सारी पुलिस डिपार्टमेंट बहुत टेंशन में है। वे लोग भी इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियसली कर रहे हैं, ऐसा हमें मैसेज मिला है। इसलिए जब तक मैं तुम्हें दूसरा मैसेज न दूं, तुम प्लीज बाहर मत आना। ओके, काम करो। ये क्या है? जेल में कोई भालू आ गया है क्या? ये कैसी आवाज है? लगता है मुझे भागना पड़ेगा। आवाज तो यहीं से आ रही है। अरे साला, हरामखोर आराम से सो रहा है। ए, चल उठ। अबे उठ। ये कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा यार? क्या रे, सब काम कर रहे हैं, तू आराम से यहाँ सो रहा है? मेरे घर में कहीं भी सो सकता हूँ मैं, कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये तेरा घर है, मैं रोक नहीं सकता। चल उठ। अरे उठा दो। हरामखोर, क्या है तेरे बाप का घर है? रवि, बाप मेरे घर मेहमानी में आया है। सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। सबसे मार रहा मुझे डैडी। ये वॉचमैन कह रहा ये अपना घर नहीं है। मैं वॉचमैन हूँ। वॉचमैन नहीं हो तो हमारे घर की रखवाली क्यों कर रहे हो? चुप रह। ये सेंट्रल जेल है या जुरासी पार्क? तुम लोग खानदानी रिश्तेदार हो या फिर यहाँ आकर रिश्तेदारी बनाई है? आम रिश्तेदार नहीं है हम, ब्लड का रिलेशन है हमारा। ब्लड का रिलेशन? मतलब तुम्हारा पूरा खानदान यही है क्या? नहीं साहब, हमारी घर की औरतें बड़े आराम से हैं, लेडीज जेल में, और हमारे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में शान से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में। अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सारे मर्द मर्दों के जेल में हैं और तुम्हारी औरतें औरतों की जेल में हैं, तो फिर बच्चे कैसे पैदा हो गए? पेरोल के वक्त दीवार फांद कर हम उधर चले जाते हैं, पूरा वर्कआउट करके आते हैं। भैया मैं आ गया, डैडी, अंकल, मैं आ गया। आप सब कैसे हैं? डैडी मुझे माफ कर दो डैडी, आपकी बात माने बगैर मैं बाहर चला गया था, उसका सबक मुझे मिल गया डैडी। क्या सबक मिला बेटा? चाय पीने के 2 रुपए, खाना खाने के लिए 17 रुपए, साथ में दही भी तो नहीं देते। हे भगवान। कटिंग क्या रे? कटिंग कराने के लिए 30 रुपए लगते हैं। अच्छा, और तो और बाहर सेफ्टी भी नहीं है, जहाँ भी देखो कहीं भी देखो दराम दराम बम फूटते हैं। हाँ, इसलिए मैं वो दुनिया छोड़ के आपके साथ रहने आ गया हूँ डैडी। तुम लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, कल नई मैडम जेल में आ रही है, वो तुम्हें ढिंग चिका करके नचाएंगी। डैडी, क्या हुआ बेटा? लड़की की बात कर रहा है। लड़की की? जो तुझसे अधिक खूबसूरत होगी उसी से तेरी शादी करवाऊंगा। थैंक यू डैडी। मेरे पीछे पीछे आना, मुझे गुलदस्ता देना, मेरे चापलूसी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सिर्फ लेडी पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, शेरनी हूँ जेल की। सो ऐसे फॉर्मेलिटीज मुझे दिखाना छोड़कर डू योर ड्यूटी फर्स्ट। मैं जेल का रास्ता जानती हूँ। पिकपॉकेटर्स, गुंडाज एंड मर्डरर्स, सब ध्यान से सुनो, ये आपका घर नहीं जेल है, आप यहाँ आम इंसान नहीं कैदी हैं। आपको नाम से नहीं बुलाया जाता इसलिए नंबर दिया गया है, आप यहाँ जैसे भी रहो मुझे कोई मतलब नहीं। आज से सब क्या करेंगे पता है? 3 टाइम का खाना, 4 दीवारों के बीच रहना, सुबह उठकर मुझे सैल्यूट करना। एए, दिखाई नहीं देता तुझे, यहाँ कोई आ जा सकता है? कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या है, ऐसे क्यों देख रहा है? आंखें और कॉमन सेंस मेरे पास तो है मैडम, पर उस पेंट के डब्बे को नहीं है, इसलिए शायद गिर पड़ा।
नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं बिल्कुल भी। क्यों नहीं खाएगा बेटा? पहले उस जेलर मैडम से मेरी शादी कराओ तभी खाऊंगा। अच्छा घर सिलेक्ट किया। अरे 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 ये क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देता है क्या? हम लोग खाना खा रहे हैं। अरे तुम्हारी जात का बैदा मारू, ऐसे खाना खाया जाता है क्या? भगवान को भी तुम लोगों को खाते देखकर शर्म आ रही होगी। चुप रहे। डैडी डैडी साइड डिश के लिए मटन चॉप चाहिए, ऐसा इस वॉचमैन को बोलो ना डैडी। बोलता हूँ बेटा। क्या चाहिए बेटा? मटन चॉप। साइड डिश का मटन चॉप खाएगा? अबे भैसे भैया को मटन चॉप चाहिए तो मंगवा नहीं सकता क्या? क्या रे, मटन मसाला कितने का आता है? बिल कितना आएगा पता है? 100 रुपीज। 100 रुपीज? यस। मैं 80 किलो का हूँ। 80 × 100। डैडी मेरी कीमत 8000 रुपये है। अरे मैंने कहा था बकरे के मटन का ये रेट है, भैंसे के मटन का नहीं। अरे हम तो तुम्हारे मेहमान हैं। क्या रे चावल ठीक से पक गया ना? भाई आज स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या मिलेगा बे, हर दिन दाल चावल तो मिलता है। चखने में क्या मिलेगा? ओ, चखने के लिए क्या, देसी मुर्गी जैसी सुपर आइटम। दिखाओ ना भाई, दिखाओ ना भाई, दिखाओ ना भाई प्लीज। देख के क्या करेगा? हिला कर रख दूंगा, मजा आ जाएगा। क्या रे ये क्या, क्या है ये? हरामखोर। इस भैरव के मुंह मत लगना, समझा? ए मैं तुझे देख लूंगा। तू मेरा क्या कर लेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? जैसे बहुत देखे मैंने। तू क्या इसे बचाने आया है? मैडम आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ दूसरी बार खाना मांगा मैडम, नहीं दिया तो झगड़ा करने लगा। मुझे लगता था सिर्फ तेरी जबान चलती है, लेकिन तू तो गुंडागिरी भी करता है। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। गणेश तुमने मुझे सच कहने से रोका क्यों? क्या सच बताता कि नंगी फोटो पर तुम्हारा चेहरा चिपका है? मैं अपने किस लक्ष्य के लिए जेल में आया तुम भूल गए हो क्या? किसी भी कारण से मैं कानून की नजर में नहीं आना चाहता। बी केयरफुल। ओके। अगर मेरा अनुमान सही है तो आज हेल्थ मिनिस्टर पर जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई होगी। हेल्थ मिनिस्टर संभाषिव राव पर रिटायर्ड जज डीआर नायडू की अदालत में सरकार ने न्याय विचारण की कमेटी की तैयारी की है। आरोग्य शाखा में हुई हत्याओं के बारे में, 25 करोड़ की दवाइयों की हेरा फेरी के बारे में ये कमेटी विचार करेगी। जज साहब डीआर नायडू ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब क्या करना है भाई? मैटर बहुत सीरियस है जी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक वो 10 मिनिस्टर को उड़ा चुका है, आपको मिलाकर 11 हो जाएंगे। बकवास बंद करो। ऐसे कमीशन एमपी बनने से पहले इतने बार देख चुका हूं, लेकिन वो कौन है? कौन है वो? शेर की तरह जीने वाले को बंदर की तरह नचा रहा है। ये क्या भाई, ये तो हमेशा किचन में पकाता ही रहता है। ये पकाता अच्छा है इसलिए बेटा। पर ये तो औरतों का काम है ना भाई। हाँ तो ये भी 1/2 है ना बेटा। तो फिर जेलर मैडम का सर नंगी फोटो पर लगाने से इसको इतना गुस्सा क्यों आया? इसकी बहन लगती है क्या? इसकी बहन होती तो मेरे साथ जरूर सोने को भेजता। क्या है, क्या चल रहा है? हाँ आपको कंप्लेंट की ना, इसलिए मुझे मार रहा है मैडम। गार्ड्स इसे ले जाकर तहखाने में डाल दो। हाय आई एम मस्तान। क्यों बे, तू मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? तुझे लग रहा होगा मुझे कहीं देखा है ना? जरूर देखा होगा। इस देश में जितने भी न्यूज़पेपर है उन सब में मेरी फोटो छपती रहती है। 4000 लोगों को मुंबई में, 2000 लोगों को कोयंबटूर में मैंने अकेले ही बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया इसी हाथ से। ठीक है मेरे बारे में छोड़, पर तू यहां क्या कर रहा है? क्यों बताना नहीं चाहता?
ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, मुझे अंधेरा बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी हरकत करने वाला भैरव है मैडम, इसी बात को लेकर भैरव और गणेश के बीच झगड़ा हुआ। किचन में भी भैरव ने लफड़ा किया था। इतना गलत करके भी भैरव गवर्नमेंट की मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है और एक तरफ वो शरीफ गणेश सजा काट रहा है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सारे कैदियों के सामने आपकी तस्वीर न दिखाने के लिए गणेश ने ही मुझे मना किया था। वो मर्डर या रेप करके जेल नहीं आया, आत्महत्या के अपराध में जेल आया है। ये रही उसकी फाइल। इन दोनों को तहखाने में डाल दो और गणेश को रिलीज करो। सॉरी मैंने जल्दबाजी की, लेकिन बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाथ की रेखा देखकर पता करूं क्या? मार खाते वक्त भी चुपचाप खड़े थे, अब तो बात कर सकते हो ना? क्या बात करूं मैं, आईपीएस पढ़कर आप किसी को भी अंदर कर सकती है। पनिशमेंट तो मिल गया, थैंक यू। देखो कैसे मेरी नाव चल पड़ी। आईपीएस पढ़कर आप किसी को भी अंदर कर सकती है। पनिशमेंट तो मिल गया, थैंक यू। आंटी आंटी, ये बेवजह मुझ पे पानी डाल रहा था और मुझे बेवजह मार भी रहा था। आंटी बबलू ने कोई गलती नहीं की, फिर भी मोहन उसे मार रहा है, आप ही उसे पनिशमेंट दीजिए ना। वेट ए मिनट, इसे पनिशमेंट मैं दूंगी। इस देश में कोई भी इंक्वायरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, सब बिक जाएंगे, कहा था ना। अब क्या हुआ, उल्टा होने लगा। अब आप जेल में जाकर आराम से सो जाइए। आप इस तरह खामोश क्यों बैठे हैं? उस डीआर नायडू ने आपकी सारी करतूत सबूत के साथ रिपोर्ट में लिखा दी। आप परिस्थितियां काबू में नहीं है। सच कह रहा भाई, उसने अगर ये साबित कर दिया तो कुर्सी तो जाएगी, 5 साल की हमें सजा भी होगी। छोटे, अगर वो जिंदा रहेगा तभी साबित कर पाएगा ना। सांबाशिव है मेरा नाम, तीसरी आंख खोल दूं तो कोई भी भस्म हो जाएगा। 15 तारीख को मैं स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन में डीआर नायडू को चीफ गेस्ट बनाऊंगा। उसी फंक्शन में बम ब्लास्ट होगा और उसकी मौत की जिम्मेदारी हम पर ना आए इसीलिए मैं भी उस फंक्शन में मौजूद रहूंगा। बम ब्लास्ट होने के 10 मिनट पहले हम सब खिसक जाएंगे ताकि सारा इल्जाम उग्रवादियों पर लग जाए, समझे? साहब जी, वो छोटे बच्चों का फंक्शन है, उस नायडू को मारने के लिए बम रखकर बच्चों को मारेंगे तो पाप लगेगा। तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा, पाप धुल जाएंगे। उस ब्लास्ट में देखना हजारों बच्चे मारे जाएंगे, 5,000 से ज्यादा बच्चे घायल हो जाएंगे और उन सब के सब को जनरल हॉस्पिटल में लाके भर्ती करेंगे। हजार बच्चों की मौत का मतलब 2,000 आंखें, 1,000 किडनी, समझा? मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, 1.5 दिमाग वाले तुझे क्या पता। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट करेगा कौन? मस्तान। Oh!
कैसा है ये? अभी होश में नहीं आया। मैं डीआईजी को फोन करके इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इसे सीधे आईसीयू रूम में ले जाइए। ओके मैडम। गार्ड्स। यस मैडम। बी केयरफुल। ओके। मस्तान एक भयंकर आतंकवादी है, ये जानते हो अभी। आपने सही बंदोबस्त नहीं किए और वो भाग गया। सीनियर ऑफिसर की परमिशन के बिना आपने फैसला ले लिया। दिस इज नथिंग बट नेग्लिजेंस। मेरी बात सुनिए सर, परमिशन लेने के लिए टाइम नहीं था और मस्तान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए। लेकिन तुम्हारी नौकरी अब खतरे में पड़ गई ना सर। अब तुम्हें जो भी एक्सप्लेनेशन देना है वो डीआईजी को देना। सर ये मेरी सिंसेरिटी के लिए बदनुमा दाग है, मैं नहीं हारूंगी। मैं खुद अकेली एक हफ्ते के अंदर मस्तान को पकड़ कर लाने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो हमेशा के लिए रिजाइन दे दूंगी। ये पोस्ट डेटेड रिजाइन लेटर है। मस्तान को भगाने में हेल्थ मिनिस्टर का हाथ है। वेल जेंटलमैन, फंक्शन 9 बजे शुरू होगा। जस्टिस डीआर नायडू स्टेज पर बैठे रहेंगे। मैं स्टेज के नीचे बॉम्ब फिट कर दूंगा। स्कूल के बच्चे यहां बैठे रहेंगे। कल्चरल प्रोग्राम इस एरिया में चलेगा। मैं वैन में वहां बैठा रहूंगा। 11:45 में आप सभी फंक्शन छोड़कर चले जाएंगे और ठीक 12 बजे मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा। जब घायल लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे तब हम भी साथ में निकल जाएंगे। हाँ तो मेरा पेमेंट मुझे कब मिलेगा? बटन दबाते ही वैन में बैठकर भाग जाइए। व्हाट? आपके 5 करोड़ वैन में रखे रहेंगे सर। इसमें कोई परेशानी है? बॉम्ब फॉर्मूला वेस्ट 900 kg, सिलिकॉन फ्यूज, RDX 800 एक्सप्लोजर विद नॉन डिटेक्टेबल डिवाइस, एंड द मोमेंट आई विल स्विच इट ऑन। ठीक से साफ सफाई करना, सुन रहे हो ना सब लोग, वरना समझ लेना। आज मुझे बाहर जाना है। अभी माहौल बहुत खराब चल रहा है, रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा। मस्तान जेल से भाग गया है, सिक्योरिटी मजबूत है, उसकी देखरेख डीआईजी कर रहे हैं। प्रिया मैडम ने एक हफ्ते के अंदर मस्तान को पकड़ने का वादा किया है, चैलेंज करके गई हैं। क्या कहा उसने? एक हफ्ते के अंदर मस्तान को गिरफ्तार करेंगी। मुझे बाहर जाने का प्लान मिल गया है। मतलब? जैसे मैं कहूँ वैसा करो। मैडम मैडम आप यहाँ है? आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप क्या कर रही है मैडम? मस्तान को पकड़ लिया। इस फाइल के अंदर से मस्तान को पकड़ने का असल में आइडिया चाहिए। एक मिनट, आप जरा यहाँ आइए। आइए, मस्तान इस समय कहाँ मिलेगा वो गणेश को पता है मैडम। गणेश को? उसे कैसे पता? गणेश जर्नलिस्ट है मैडम, मस्तान के बारे में सब कुछ जानता है। वो किस किस से मिलता है, क्या क्या काम करता है, गणेश सब कुछ जानता है। इतना ही नहीं, मस्तान के भागने से पहले वो दोनों डार्क रूम में एक साथ थे। गणेश को बेल देकर आप छुड़ा लेंगी तो आपको मस्तान मिल जाएगा। अगर मैं एक कैदी की हेल्प लूं तो ये शर्म की बात नहीं होगी? बड़े बड़े नेता लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या करते हैं मैडम, हम और आप क्या चीज है? जैसे कांटे को कांटा निकालता है, कैदी को कैदी पकड़वाएगा। उसकी सजा ज्यादा बड़ी नहीं है इसलिए मैं उसे बेल पर छुड़ा सकती हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानेगा क्या? ओहो, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको फिर से वर्दी में देखना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी तारीफ बड़े साहब से कीजिए ना प्लीज। मस्तान को पकड़ने के लिए मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स गणेश, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है इसलिए तुम्हारी मदद ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। और वो मस्तान जितनी जल्दी मिल जाएगा तो गवर्नमेंट भी खुश हो जाएगी, जनता भी खुश हो जाएगी, इसलिए ये लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? लाइफ में इतने कॉस्टली कपड़े नहीं पहने होंगे। मेरे साथ तुम्हें बाहर रहना है ना, तुम मेरे लेवल को सूट होना चाहिए ना। देखो गणेश, तुम कैदी में जेलर किसी को पता ना चले इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव करूंगी। चांस मिलने पर मौके का फायदा उठाया ना तो चुप नहीं रहूंगी। किसी को लगी क्या? तेरी बंदूक नहीं चली, बाहर बल्ब फूटा है। I know. तुम डरे तो नहीं ना? हाँ तो हम कहाँ जाने वाले हैं? Come on. Break it down. I want you to break your chain. हेलो, मस्तान की गर्लफ्रेंड यहाँ है कहकर इधर उधर क्या देख रहे हो? कहाँ है वो लड़की? Unlimited, break it, break it.
क्या यही है उसकी गर्लफ्रेंड? One minute. Hi Madhavi. Hi, but I am not Madhavi. My name is Namrata. Aren't you Richard's girlfriend? No, my boyfriend name is Bhaskar. I'm really sorry, No problem, it's okay. क्या हुआ? उस लड़की का नाम नम्रता है, मस्तान की गर्लफ्रेंड है। तुम उसे वॉच करो, मैं अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जा रहा हूँ, चलना है? छी छी, जाओ जल्दी जाओ। नम्रता प्लीज। हेलो, नम्रता स्पीकिंग, मे आई नो हु इज कॉलिंग? हाय नम्रता, मैं भास्कर का फ्रेंड हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या उनका एक्सीडेंट हो गया? जी हाँ, हॉस्पिटल ले जाते समय वो वहाँ से भाग गया। वो भाग गया? तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ। ओके, आई एम कमिंग देयर इमीडिएटली। दिव्या, प्रिया को मैं चकमा देके आया हूँ, अब जल्दी बताओ उनका प्लान क्या है? इस साल होने वाले 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने जस्टिस डीआर नायडू को बॉम्ब ब्लास्ट में खत्म करने का प्लान बनाया है, इसीलिए मस्तान को भगाया गया है। 9 बजे फंक्शन शुरू होने वाला है, 2 बजे बॉम्ब ब्लास्ट करने का टाइम फिक्स हुआ है। 2000 स्कूल के बच्चे इस फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये मासूम बच्चे मर जाएंगे गणेश, उन्हें सिर्फ तुम बचा सकते हो। किसी तरह प्रिया को धोखा देकर तुम्हें उस फंक्शन में जाना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, टेक केयर। ओके, मैं क्या करूं? तुमने बताया उस लड़के को मैं फॉलो कर रही थी, बीच में किसने धक्का मारा, इतने में वो लड़की मिस हो गई। चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया, अब क्या करें? जेल चलते हैं। क्या कहा? मेरी बात सुनो, जिसे आप पकड़ना चाहती हैं वो कोई पॉकेट मार नहीं है, मस्तान है। अब जो भी होना होगा सुबह ही होगा। तब तक सोने चलते हैं। कौन से होटल में चलना है? होटल में? तुम्हें अगर होटल में रखूंगी तो तुम वहीं से भाग जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे घर में रहना होगा, हाउस अरेस्ट। चलो। Not 3, तुम कैदी हो, ये बात मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ 403 ही हो। क्या बात है प्रिया, गेस्ट के साथ आई हो, कौन है ये? मेरे फ्रेंड है जीजा जी। कोई बात नहीं, आराम से रह सकते हैं। इनका नाम क्या है? 403। 403 क्या है? वो तो IPS का बैच नंबर बता रहे हैं जीजू। अपना नाम बताओ ना। गणेश। बाय द वे गणेश, मैं प्रिया का जीजा हूँ, ये प्रिया की दादी माँ है। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। हाय अंकल। ये हमारी फैमिली। और आपकी फैमिली? जीजू, ये सब किस लिए? वैसे भी टायर्ड है, लेट हिम टेक रेस्ट। चलिए। बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, तुम्हें बाद में देख लूंगी। चलो प्रिया। ये तेरा क्लोज फ्रेंड है क्या? दादी माँ, मुझे भूख लग रही है, खाने का इंतजाम करो ना, मैं अब भी फ्रेश होकर आती हूँ। फ्रेश? ओ अंकल, आप मैजिक कर रहे हैं क्या? मैजिक दिखना चाहते हो? हाँ हाँ, दिखाना दिखाना दिखाना। ओके, ये पेपर मैं ग्लास के नीचे रखता हूँ, अब ग्लास को छुए बिना, पानी नीचे गिराए बिना मैं ये पेपर निकाल लेता हूँ। ओके ओके। 1 2 3। वंडरफुल मैजिक, सुपर अंकल। हे, ये मेरी सीट है। ये मेरी सीट। बैठो ना। हम्म,
प्रिया ही हमेशा घर में खाना पकाती है, आज प्रिया बाहर थी ना इसलिए हमने पकाया। ये अचार प्रिया ने बनाया, इन्हें खिलाओ बेटी। यह प्रिया आंटी ने बनाया हुआ अचार नहीं है। प्रिया पिकल। पता नहीं, हमें जैसा आता है वैसे बनाया। वैसे बताइए आपको कैसा लगा? आप खाने में क्या पसंद करते हैं? 200 ग्राम चावल और 2 बाटी दाल मिलता है। ये क्या? कुछ नहीं दादी माँ, ये डाइटिंग कर रहे हैं। इनके घर का खाना सिस्टमेटिक होता है। वैसे आप रहते कहाँ हैं? मुशीराबाद में। घर बड़ा है ना? 600 कमरे हैं, 60-70 सिक्योरिटी है। सच बात है, साल भर की यूनिफॉर्म के लिए इतना खर्चा होता है। सच है ना? 60,000 के कपड़े। दादी माँ आप सवाल करते रहेंगे तो ये खाना कैसे खाएंगे? प्लीज खाइए ना। घर में सब लोग प्यार से बात करते हैं, इसका मतलब मैं प्यार से बात नहीं करूंगी। तुम सिर्फ कैदी हो, कैदी। चलो, ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे लिए ये जेल है। जेल में 6 बजे सो जाते हो ना, जाकर सो जाओ। सुनो, सुबह 6 बजे आऊंगी उठाने। बाथरूम में नहा रहे हैं मिस्टर श्यामराव, मेरे पति। फिर गणेश कहाँ है? मुझे क्या पता, जाकर दादी माँ से पूछो। दादी माँ, दादी माँ, क्यों चिल्ला रही हो भैया? दादी माँ, गणेश कहाँ है? सुबह से नहीं दिखाई दे रहा है, तुमने कहीं बाहर भेजा क्या? बेचारी कब से गणेश को ढूंढ रही है और परेशान हो रही है, इसे बता दो ना दादी माँ। मैं परेशान कर रही हूँ? मैं पागल हूँ क्या? वो लड़का जब से आया तब से देख रही हूँ, एक सेकंड के लिए भी पीछा नहीं छोड़ा, उसके पीछे पीछे घूम रही है। पसंद है तो मुझे बता दे, शादी करवा दूंगी। पागल हो गए हो तुम लोग, एक लड़का घर के आ गया, शादी करवा दोगे मेरी? असल में वो कौन है पता है तुम्हें? कौन है वो? तेरा क्लासमेट ही है ना, एक तो उसे अचानक घर ले आई।
जब से आई है उसके पीछे पीछे घूम रही है। तू बता ये सब देखकर हम क्या समझे? क्या दीदी, दादी माँ को समझ में नहीं आता तो ठीक है, लेकिन तुम भी जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है उसके पास प्रिया? हैंडसम नहीं है, पढ़ा नहीं है, स्टाइलिश नहीं है। मुझसे क्यों छुपा रही है प्रिया, अपने दिल की बात बता देना। दादी माँ मैंने झूठ बोला था, वो मेरा क्लासमेट नहीं है, वो मेरे जेल का कैदी है। मस्तान को पकड़ने में मेरी हेल्प करेगा ये सोचकर मैं यहाँ लेकर आई थी। मासूम की तरह नाटक करके मुझे धोखा देकर भाग गया। चीट, आखिर कैदी कैदी होता है। मैंने क्या सोचा था, कितना भरोसा किया था, मेरे पीठ पीछे यहाँ से भागकर मेरे साथ विश्वासघात किया। सुबह टहलने के लिए थोड़ा बाहर चला गया था, पेपर देखने के बाद पता चला कि मस्तान मर चुका है। पुलिस को मैंने ही बुलाया, मस्तान मर सकता है तो मैं भी मर सकता हूं, इसलिए अब मैं जा रहा हूं, आप बाद में आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिएगा। माँ जी, प्रिया की बात सच है, फिर भी मुझे एक अच्छा इंसान समझकर घर में सहारा देकर मुझे अपना समझा आपने, आप सबको थैंक्स। बाय छोटू। बाय अंकल। सिर्फ तेरी हेल्प करने के लिए गणेश जेल से बाहर आया था, भाग जाने का मौका होते हुए भी उसने अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दिया। अगर वो बुरा इंसान होता तो वो वापस ही क्यों आता? आंटी, अंकल को वापस लेकर आओ ना प्लीज। अंकल बहुत अच्छे हैं, तुम्हें मैं कभी भी मत छोड़ना। मेरी माँ को याद दिलाया है उसने, शेर की पकड़ थी उसकी, नॉट आउट। मस्तान को भी उसी ने मारा होगा। देख, उस मस्तान को मारते वक्त किसी ने तो उसको देखा होगा कमिश्नर। वो कौन है, उसके दिल में क्या है, कैसे पता चलेगा? छोटा सा क्लू दीजिए, पकड़ा जाएगा। जाके पकड़ अपने औरत के पैर। कल की बात है, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर हम सबकी नींद हराम कर दी है उसने, पता है ना? ज्यादा भौकाल मत मार, बाल निकालने की तरह तेरी हाईटेक सिक्योरिटी में घुसकर सुपरमैन की तरह गोल गोल घूमकर आया और मेरा गला दबा दिया। तब बता, बता कौन पुलिस वाला मुझे बचाने के लिए आया था? सर ऐसा नहीं है। अरे चुप, चुप कर तू। म्युनिसिपैलिटी में कुत्ते पकड़ने वाला भी खाकी पहनता है और तू भी पहनता है, फर्क क्या हुआ? आखिरी बार कह रहा हूँ, शनिवार तक तू मुझको उसका सबूत ला कर दे, नहीं तो इतवार को चार मीनार के चौराहे पर मैं तुझको लटका दूंगा। अब जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। टी 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 टी। ये कैसी चाय है? छी, क्या है ये? क्या है, चाय है क्या? इंस्पेक्टर शेर सिंह को तू चाय पिलाता है, मार डालूंगा। आज के बाद इस कैंपस में टी टी ऐसी आवाज सुनाई दी तो जान से मार दूंगा। हाँ। बापे, कॉफी 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 अभी लेके आता हूँ। क्या भाई, पब्लिक में बीड़ी फूंक रहे हो, जेलर मैडम को पता चला तो? जेलर मेरा क्या बिगाड़ेगी बेटा, हम क्या हैं उसको भी तो पता चले। वो कैसे? हाँ। स्टोर रूम में गणेश और भैरव के बीच में वो झगड़ा हो रहा है मैडम। गणेश, गणेश भाई, गणेश भाई, वो भैरव सिंह जेलर मैडम को स्टोर रूम में जबरदस्ती कर रहा है, आजू बाजू कोई नहीं है, जाकर उसे बचाओ भाई। आओ आओ भाइयों, आओ, हमारे सभी कैदी भाइयों को मुफ्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा और वो ये है कि बेडरूम बन गया अपना स्टोर रूम। कैदी गणेश बंद कमरे में जेलर मैडम के साथ दोनों मस्त मजा ले रहे हैं भाइयों, दोनों आउट ऑफ कंट्रोल। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ उस स्टोर रूम में। सर स्टोर रूम का दरवाजा खोलो। प्रिया, क्या ये सब, तुमने ऐसा क्यों किया? सर आप भी शक कर रहे हैं, जो सवाल अकेले में पूछना चाहिए था सबके सामने पूछ रहे हैं।
ये कैसा इंसाफ है? तुमने किया तो ये गलत नहीं है प्रिया, लेकिन सबके सामने पूछा तो ये गलत है। बोलो, मैं क्या बताऊँ? इन लोगों की बात सच है क्या? मतलब तुम लोगों के बीच नाजायज संबंध है क्या? जी हाँ है सर। आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। जल्दबाजी की तुमने, गुस्से में लिया हुआ फैसला गलत होता है। मैंने जल्दबाजी की गणेश, जो कहना था गुस्से में कहा, लेकिन मुझे जो कहना था कह दिया, मेरे दिल में जो था बता दिया। इसका क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ गणेश। सब लोगों के सामने मैंने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन तुम हंसकर मेरा इंसल्ट कर रहे हो गणेश। आखिर हंसने की वजह क्या है? मेरी हकीकत क्या है तुम जानती हो ना, मेरा चरित्र क्या है तुम जानती हो, मेरा भविष्य क्या है वो भी जानती हो तुम। तुम क्या हो मैं जानती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। प्लीज प्रिया, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम भी एक इमोशनल इडियट फूल मत बनो प्रिया। तुम्हारे दिल में अगर मेरे बारे में कोई भी ऐसा ख्याल है तो भूल जाओ, मेरी यादें मिटा दो। मिटा दूंगी गणेश, पूरी तरह मिटा दूंगी, बट टेल मी वन रीजन, मैं उसे मिटा दूंगी, लेकिन वजह तो बताओ। मैं तुम्हें क्यों वजह बताऊं? तुम मेरी इज्जत करते हो ना, तो मुझे एक सच बात बताओ। क्या सच बताऊं? तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? बताओ गणेश, बताओ। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं बताया तो अब बताओ। बता दूंगा तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। सच में? सच में। हाँ तो बताता हूं, तुम्हारी नजर में, इस लॉ की नजर में, इस दुनिया की नजर में मैं आत्महत्या करने गया था, लेकिन किसी को बताए बिना मेरी अंतरात्मा ने दो खून किए हैं। एक का नाम रामेश्वर है, दूसरी गंगा। रामेश्वर मेरे पिता थे और गंगा मेरी बहन। नाचता हूँ हाँ, ये शरारते प्यारी है, खुशियाँ बांटता हूँ, दुनिया की सारी खुशियाँ बहना दे दूँ तुझे,
तेरे आंसू बहे तो होता है दर्द मुझे जीवन अपना यूं ही चले हाँ जीवन अपना यूं ही चले हाँ हंसते गाते जीवन बीते प्यारे प्यारे फूल हैं हाँ प्यारी प्यारी है फिजा छोटी छोटी मस्तियाँ ऐसा प्यार है कहाँ बहना की प्यारी हंसी देख के दिल झूमा अब तो दिल गाने लगा प्यार भरा नगमा हे प्रभु तेरी माया से है अपना संसार हाँ सदा खुशियों के दिए जले हमारे द्वार प्यारे प्यारे फूल है हाँ प्यारी प्यारी है फिजा छोटी छोटी मस्तियाँ ऐसा प्यार है कहाँ अरे लड़की के चेहरे पर शर्म और हाथों में मेहंदी होनी चाहिए शर्म तो तुम्हें आती नहीं है कम से कम हाथों में मेहंदी तो लगा लो अरे रे रे मेरे प्यारे भैया हो ना मुझे छोड़ दो ना मेरी प्यारी बहन है ना तू लगा लेना आप बहुत बुरे हैं भैया हाँ हाँ मैं बहुत बुरा हूँ मैं पापा को बता दूंगी अरे किससे वो रामचंद्र से अरे बता दो मैं डरता हूँ क्या ए, पापा को ऐसे नाम से पुकारते हैं क्या हाँ अरे वैसे भी वो बूढ़े हो चुके हैं अच्छा तो उन्हें सामने देखकर डर क्यों जाते हो मैं डरता हूँ हाँ। अरे उनसे अरे क्या बात करती है मैं तो टेरर हूँ टेरर डरते तो वो है गणेश पापा 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 जी आ गए मैं पापा ही हूँ बेटा ए, पापा जी थोड़ा सा वो मेहंदी मैंने नहीं बेटा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा ये तो आपका नाम भूल गई मैं फिर आपको ठीक है याद नाम याद लाने के लिए ही बेटे होते हैं ना क्या खूब कहा पिताजी क्या खूब कहा आपने सिर्फ पापा कहोगे तो चलेगा ये आ रहे जा रहे मत कहना अरे नहीं बोलूंगा रे सॉरी स्लिप ऑफ द टंग हां गणेश मार्केट में तेरी फ्रेंड दिखाई दी थी कौन सी फ्रेंड पिताश्री तेरे कितने फ्रेंड है बेटा वही IAS वाली लड़की दिव्या शाम को 4 बजे डांस हॉल में तुझे बुलाया है सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है पढ़ लो टमाटर तो लाए ना लेकर आया हूँ ये लो बेटी गणेश अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो खुशी से आऊंगा लेकिन एक छोटा सा आर्टिकल लिखकर ऑडिटोरियम में IAS ऑफिसर कैसा लगा टाइटल अच्छा मजाक कर रहे हो 16 तारीख को मेरा फंक्शन होते हुए भी मैं दिन रात तैयारी कर रही हूँ इसीलिए ऑफिस का काम भी यही कर रही हूँ तुम्हें तो पता है ना अनाथ बच्चों के फंड के लिए 7 लाख कलेक्ट कर लिए हैं इट्स गुड दिव्या थैंक यू मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो अरे चलो तो सही मेरे लिए स्टार होटल है वाओ बिड़ू आइटम बहुत मस्त है मस्त आइटम बनाए दोस्त हाँ गुरु एंजॉय कर ले उतरो दिव्या गणेश क्या रे बाइक में लड़की को बिठा के ले जाने को सेटिंग समझते है क्या ये कौन है जानता है जानता है तू जानता है ए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तू वहाँ पे क्या देख रहा है ए, ये लड़की मेरी फ्रेंड हो सकती है मेरी बहन हो सकती है मेरी बीवी हो सकती है अगर लड़की पीछे बैठ गई तो आइटम हो गई क्या कभी लड़के को पीछे बैठा नहीं बैठा ना चल तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ रुक जा हमारे भाई साहब ने कभी लड़की को पीछे नहीं बिठाया तू बैठ इधर हाँ ले जा ले जा अरे ले जाना हाँ ले हाथ तेरे कंधे पे रख दिया शौक लगा सॉरी इधर नहीं उधर बोल चल बोल सॉरी मैडम चाचा जी 2 कड़क चाय देता हूँ बेटा अरे बैठो क्या रे IAS ऑफिसर फुटपाथ पर बुरा लग रहा है क्या सड़क पर झगड़ा करने वाला गुंडा है बगल में बैठना बुरा लग रहा होगा है ना
नहीं गणेश, हम आधे घंटे से साथ में हैं, इतने में झगड़ा भी कर लिया। ये गुस्सा, ये टेंशन, नफरत, ये सब क्या है गणेश? दिव्या प्लीज, मुझे भाषण मत दो प्लीज। ये भाषण नहीं, मेरी सलाह है। गलत काम करने वाले हर जगह मिलेंगे, तुम सबको मारते रहोगे क्या? You're not normal गणेश। Yes, I'm not normal। एक गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता मैं, रोक कर सामना करूंगा। गलती करने वाले को मैं सजा भी दूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, अपने ही रास्ते पर चलूंगा। बोर हुआ तो भागता हूँ, बोर हुआ तो रोता हूँ, और ज्यादा बोर हुआ तो मर जाऊंगा। प्लीज दिव्या, मेरे हाल पे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं कुछ कहती हूँ तो तुम कुछ और ही कहते हो, एकदम सही जवाब देते हो। तुम्हारे मुँह से सब सही लगता है, तुम्हारी इन्हीं बातों से मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ। हाँ, इम्प्रेस हो जाती हो तो? पता नहीं, तुम्हें आई लव यू न कह दो ऐसा डर लगता है। तुम ये कह नहीं सकती और मैं सुन नहीं सकता। वो क्यों? तुम मेरी इज्जत करती हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। एक दूसरे की इज्जत करने वाले कभी प्यार कर ही नहीं सकते। इस फ्रेंडशिप के नाम पे प्यार करना, प्यार के नाम में सेक्स में खो जाना, सेक्स के नाम से शादी कर लेना, इस शादी के नाम से एक दूसरे को धोखा देना, और उसके बाद जीवन के नाम पे रोते रोते दोनों का मर जाना, ये सब मुझसे नहीं होगा। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना? चलो चलो, चाय पियो। गणेश, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है बताओ? तुम कभी मत बदलना गणेश, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। I'm really proud of you, my friend. Are you sure? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। शादी कब कर रहे हो? हे भगवान। मेरे बच्चे को क्या हो गया भगवान? अरे ये क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखो, बचा लो डॉक्टर साहब। क्या हुआ बच्चों को? पता नहीं, अचानक नीचे गिरा और बेहोश हो गया। अब आप ही कुछ कीजिए मैडम। तो मैं क्या करूं बताओ, पूरे गांव में एक ही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में कोई भी दवा नहीं है, सिर्फ सरदर्द और जुकाम की है। मैं कुछ नहीं कर सकती, चले जाओ। मैडम हम कहाँ जाएंगे? मैडम जाकर मंदिर में पूजा करो, बच जाएंगे तो उनका शुक्रिया अदा करना, और मर जाएंगे तो भगवान को कभी मत मानना। मैडम ऐसा मत कहिए मैडम। हेलो माधव फूड ब्रांच, ये न्यूज कौन से गाँव से मिला आप लोगों को? मैं भी आ रहा हूँ। ये बच्चे को पकड़िए जरा। डॉक्टर, आखिर इस बीमारी का नाम क्या है? बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, इट्स वेरी हार्मफुल। इसका इलाज नहीं है क्या? इलाज तो है, सेप्टाजेनिन कैप्सूल चाहिए, मगर वो कैप्सूल हमारे पास नहीं है। नहीं तो कैसे चलेगा सर? वो सब मेरे हाथ में नहीं है, समझ गए ना? आप मुझसे मत पूछिए, वो देखिए आरएमओ सर आ रहे हैं, जो जो पूछना है उनसे जाके पूछ लीजिए। सभी बच्चे बीमार हैं क्या? आरएमओ सर, आप मेडिसिन लेकर आए। तुम कौन हो भाई? गणेश, पत्रकार हूं। तुम यहाँ क्यों चले आए भाई? सिनेमा आर्टिस्ट और राजनेताओं के बारे में लिखकर मजे करो, यहाँ क्यों आगे भाई? यहाँ आप क्या कह रहे हैं सर? बच्चे वहाँ पे तड़प रहे हैं। तो तड़पने दो, कुत्तों की तरह 10-10 बच्चों को जन्म देते, उन्हें देखकर उल्टी आती है हमें, फिर बीमारी क्यों नहीं आएगी? कोई तूफान या सुनामी आकर सब लोग मर जाएंगे ना, हमारा काम कम होगा, बीमारी नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आबादी कम होगी। और क्या? हेलो। हेलो दिव्या, मैं गणेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो गणेश। मैं यहाँ पर माधवपुर में हूँ, बच्चे बीमार हैं, तुम तुरंत डिटर्जेंट कैप्सूल लेकर आओ। मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। डॉक्टर, मेडिसिन्स। सॉरी सर, दे आर डेड। बच्चे बीमारी से नहीं मरे गणेश, हमने मारा है, गुनहगार हमारा ही डिपार्टमेंट है, फिर भी ये लोग हमारे डिपार्टमेंट को दोषी नहीं मान रहे हैं। मैं उनकी हेड हूँ, फिर भी मुझे दोषी नहीं मानते, भगवान को दोषी मान रहे हैं, हालात पर रो रहे हैं। इन मासूम लोगों का खून चूस चूस के पिया गया है गणेश। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 करोड़ की दवाई सैंक्शन हुई है, सैंक्शन हुई, सारे बिल्स हैं, सारे सबूत हैं, लेकिन एक भी मेडिसिन यहाँ नहीं पहुँची। छोटे छोटे बच्चे मारे गए गणेश, ये सरकारी काम से मुझे घृणा आती है, बहुत दुख हो रहा है। दुखी होने से कोई फायदा नहीं है दिव्या, एक क्षेत्र के 2 करोड़ खा लिए लोगों ने, पूरे राष्ट्र के कितने करोड़ रुपए खा गए होंगे, आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है तुम पता लगा सकती हो? जरूर पता लगाऊंगी गणेश। अगले हफ्ते मैगजीन में छाप कर इन सबका मैं पर्दाफाश कर दूंगा, मैं आज इस काम में लग जाता हूँ।
क्या बे, गवर्नमेंट ऑफिसर पर हाथ उठाकर यहाँ बाइक साफ कर रहा है और सोच रहा हमें पता भी नहीं चलेगा? बटन बंद कर बे, और ये बाल क्यों बढ़ा के रखे हैं? बाल काटने का काम हजाम का है, बटन लगाना टेलर का काम है। तूने क्या साइड बिजनेस चालू किया है? किस काम से आया वो बता। ए गणेश, इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ, क्या किया इसने? बाप है, टपोरियों की लिस्ट में तेरे बेटे का भी नाम है। पासपोर्ट साइज फोटो दे, पुलिस स्टेशन में लगाना है। सुनो, अब टपोरी लोग पुलिस स्टेशन के बोर्ड में नहीं बल्कि पुलिस टपोरियों की तरह रस्ते पे घूम रही है। भैया, हाथ हटा पहले। क्या है इंक्वायरी है? आईपीएस या सीएसपीएस, कौन सा सेक्शन? वारंट है क्या? जर्नलिस्ट है ना, इसलिए इतनी गर्मी में सवाल कर रहा है। स्टेशन में डीआईजी साहब है, बोलेंगे तेरा इंटरव्यू। अब चल। ए, बता दिया ना, अब तू चल, मैं आ रहा हूँ। हुआ तो नहीं ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी इंक्वायरी थी। पिताजी कहाँ हैं? यहीं पर खड़ा हूँ बेटा, अभी तक जिंदा हूँ। पिताजी आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? कोई सीरियस बात नहीं है। कल तक इस रामेश्वर को सिर्फ मोहल्ले वाले पहचाना करते थे, लेकिन आज अपने घर में पुलिस क्यों आई थी कहकर आने जाने वाले सभी पूछ रहे हैं। तुम प्रेस रिपोर्टर हो ना, इस बाप की बहुत अच्छी पब्लिसिटी कर दी बेटे। भैया सुबह से भूखे हैं पापा, चलो भैया खाना खाओ। बेटी अगले हफ्ते तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उन्हें पुलिस का पता चल गया तो तेरी सगाई रुक जाएगी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी, इसे भूख लग रही होगी, जा इसे खाना खिला, जा खिला दे। भैया रुको, भैया रुक जाओ। उसे मत रोको बेटी, जाने दो, जाकर गुस्से में किसी को मार के आएगा। अब तक अपने घर में सिर्फ पुलिस आई थी, कल से गुंडे भी आने लगेंगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी। क्या हुआ, जाने बिना क्यों बात कर रहे हैं पापा? बहुत सारे बच्चों की जाने गई है पापा, पूछने पर कहते हैं कि दवाई नहीं है। सड़क पर घूमने वाले कुत्तों से भी बदतर जिंदगी कर दी उनकी, उनकी लूटमार की वजह से कितने गरीब लोग मारे गए आपको पता है? बस करो, गरीब लोग गरीब लोग कहाँ पर नहीं है गरीब लोग। मैं तुझसे छोटा था तब से गरीबों को देखते आ रहा हूँ, गरीब की खातिर नाटक करने वाले, गरीब की खातिर बात करने वाले, गरीब के लिए लिखने वाले सब बिक गए हैं बेटे, लेकिन वो गरीब लोग सब गरीब बनकर रह गए बेटे। यही है लोकतंत्र बेटे, ये नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। वैसे इसके बारे में सोचने वाले हम कौन होते हैं, मामूली मिडिल क्लास के इंसान है हम। देखो मुझे गांव वालों की चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है, मेरी बेटी की चिंता है, इस परिवार की चिंता है। क्या पापा आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे स्वार्थी लोग हैं इसलिए गरीब और गरीब होता जा रहा है, उनके सहारे लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं पापा। मुझे आपकी चिंता है, बहन की चिंता है, और उसके साथ देश की भी चिंता है। कोई भी गुनाह देखकर मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठ सकता पापा। हाँ बेटा, मैं बूझते लू बेटी, मैं डरपोक हूँ बेटी। ये तो कंप्यूटर इंजीनियर, ये प्रेस रिपोर्टर भी, मैं पुराने जमाने का मुंशी इतने बड़े महापुरुष को कैसे समझा सकता हूँ? सॉरी सर, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर देना सर। बेटी तेरे भाई को बता दे, गंगा इससे कह दे मुझसे दोबारा बात ना करे बेटी, बात ना करे भैया, बात ना करे। पापा, पापा रुको, पापा पापा दरवाजा खोलिए। पापा से ऐसी बात करते हैं क्या? सुबह से बिना कुछ खाए पिए पागलों की तरह शहर के सारे पुलिस स्टेशन ढूंढ कर आए हैं। आपको पता है क्या, उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते हो क्या? मेरी बात सुनो, आपके देशभक्ति जर्नलिज्म सब कुछ बाहर छोड़कर आओगे तो ही मुझसे बात करना, नहीं तो मुझसे भी बात मत करना। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, सुनाई दे रहा है या नहीं? अरे आप क्यों रो रहे हो भैया? देखो आप रोओगे तो मैं भी रो पड़ूंगी। हाँ तुम मत रो ना, मेरी अच्छी बहन हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तो फिर हंसो। ये कोई हंसी है? उस माधवपुर में लोगों के मारे जाने की खबर सुनकर मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे भाइयों, समझो खून टपक रहा है। लेकिन क्या करूं, मरने वालों को वापस तो नहीं ला सकता ना, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से मरे हुए घर के एक एक सदस्य को 25,000 रुपए एकदम फ्री देने की घोषणा करता हूँ। मंत्री महोदय, आप तो ऐसा कह रहे हैं, और उस तरफ विरोधी पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है और आप हॉस्पिटल में एडमिट है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो मुझे कैसे होगा, वो रोग होने के लिए तो ब्रेन चाहिए। इसका मतलब आपके पास ब्रेन ही नहीं है? मैं तो दानवीर हूँ, इस कुर्सी पर बैठते ही गरीब लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को मैंने अपना ब्रेन डोनेट कर दिया, जब उन्हें दे दिया तो मेरे पास कहाँ से रहेगा, समझे? तो अपोजिशन वालों को क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ अब इंटरव्यू खत्म हुआ, जय हिंद। ठीक से निकाला ना? आप कमाल है सर,
आपका लुक सारे मिनिस्टरों से अलग है और आपकी हेयर स्टाइल भी कमाल है। ठीक है चलो चलता हूँ। एक बात है। क्या हुआ? अपने बारे में डेमोक्रेसी मैगजीन में खबर छपी है भाई। माधवपुर में दवाई खरीदने के लिए सरकार ने जो पैसा पास किया था वो पैसा चुराने वाले चोर कौन है, ये खबर पूरे राष्ट्र में हलचल मचा देगी। पूरी खबर अगले हफ्ते में। आखिर ये मैटर लीक करने वाला कौन है रे? हाय, चंदना फ्रॉम डेमोक्रेसी, गणेश ने भेजा है। प्लीज कम। थैंक यू, डांस प्रैक्टिस कर रही थी। कल प्रोग्राम है ना, गणेश आपकी हमेशा तारीफ करता है। बैठी। नो थैंक्स, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। आपके पास कोई इम्पोर्टेंट फाइल है क्या? गणेश ने मुझे ले आने के लिए कहा है। वो तो गणेश खुद आकर लेने वाला था ना? जी हाँ, लेकिन वो एडिटर मीटिंग में बिजी है इसलिए मुझे भेजा है। अगर तुम्हें कन्फर्म करना है तो गणेश को फोन कर लो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं फाइल लेकर आती हूँ। Excuse me. Yes? गणेश की मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना, कैसी है वो? वो ठीक है, आज उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। I see. अब ये फोन काम नहीं करेगा, मैंने कट किया है। आईएएस ऑफिसर पर हुए हमले में किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक हाथ नहीं है, ये केवल उनकी आपसी गलती का मामला है। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया गया है और अब इसकी जांच जल्दी कैसे आ गए? प्रोग्राम के शुरू होने में तो और आधा घंटा बाकी है ना, अपने फ्रेंड को एनकरेज करने के लिए पहले ही आ गए? समझ में नहीं आ रहा गणेश। बंटी, मेरा एक नया चाहने वाला है, सारे शहर में यही चर्चा है, तुम्हें पता नहीं है क्या? रो रहे हो गणेश? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर नहीं है तो क्या, अब मुझे पंख लगने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं दुखी नहीं हूं, डर भी नहीं रही, मैं रोऊंगी नहीं गणेश, सच में नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। तुम्हें लग रहा होगा मैं पागल हो गई हूं ना? डर लग रहा है। वो क्यों गणेश? अब तुम मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो, ऐसे इंप्रेस करने लगोगी तो
कब तुम्हें आई लव यू कह दूंगा, डर लग रहा है मुझे। वो तुम बता नहीं सकते, मैं सुन नहीं सकती। पता है क्यों? तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो, मैं भी तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। एक दूसरे की इज्जत करने वाले प्यार नहीं कर सकते, ऐसे एक बड़े फिलोसोफर ने कहा है। वो मेरा फ्रेंड है, अगर कोई कष्ट में हो तो उसका हौसला बढ़ाता है, मदद करता है। अपनी फ्रेंड को तकलीफ में देखकर वो हमेशा स्कूल के बच्चे की तरह रोता है। थोड़ा मुस्कुराओ ना। सब ठीक है। फाइल भिजवाया है, वो पीछे आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये इंग्लिश में है, कैन आई रीड? पढ़ेगा, ओनली आई नो इंग्लिश। क्या हुआ रे, चल पढ़। ओके बाबा, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल? एसआर एसआर 3 बैग फुल। मैं अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। गन देखकर फट गई मिनिस्टर, तू मुझसे क्या टकराएगा? तुझे मारने के लिए तो बच्चे काफी हैं। असली फाइल कहाँ है सोचकर पैंट गीली हो गई तेरी साले। फाइल मेरे पास है, एक औरत के पास अपनी मर्दानगी क्या दिखाता है? तुझ में दम हो तो, एक बाप की औलाद है तो मुझसे लड़कर देख। तुझे तो मैं चौराहे पे कुत्ते की तरह दौड़ाकर मारूंगा। हाँ, एनी सेंटर सिंगल हैंड गणेश। बेटी गंगा मोमबत्ती जला दे, तेरा भैया आएगा तो परेशान हो जाएगा। लगता है भैया आ गए हैं। पापा, भैया आप वहीं रुकिए, मैं मोमबत्ती लेकर आ रही हूँ। इस घर का पानी बहुत मीठा है, बेटी ने प्यास बुझा दी। आजा गणेश, दिल खुश हो गया मेरा, अपने ही घर जैसा लग रहा है। बुरा लगा क्या? चल बाहर चल के बात करते हैं। जरूरत नहीं है पापा, कॉफी। हाँ बोल। देखो गणेश, स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ, तेरे फाइल की सारी इंफॉर्मेशन का डिटेल मुझे दे दे। मैंने 50 करोड़ का घोटाला किया है, मना नहीं कर रहा हूँ। मेरी कहानी तो चार मीनार से भी ज्यादा लंबी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं, एक भिखारी को मैं कचरे के कूड़ेदान में मिला था, उस भिखारी के साथ मैंने भीख तक मांगी, उसके साथ फुटपाथ पर सोया। छी 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 छी। कुत्तों की जिंदगी जी है मैंने। 7 साल में ही पॉकेट मारना शुरू किया, उसके बाद ब्लैक में टिकट बेचने लगा, पकड़ा जाता तो मार पड़ती नहीं तो पैसा मिलता। मैंने पहला मर्डर कब किया जानते हो? 14 साल की उम्र में, बच्चा था मैं, मुझे चड्डी भी पहनने नहीं आती थी, और क्या करता, मुझे भी तो जीना था भाई। अब अच्छा जीने के लिए मैंने पॉलिटिक्स में जंप किया, गली लीडर से लेकर दिल्ली लीडर तक सबको हटाया, लोगों का विश्वास जीता, आखिरकार कारपोरेटर बना, 20 लाख में एमएलए, 60 लाख में मंत्री बना हूं। 30 साल का तजुर्बा है भाई। शर्मला छोड़कर हिजड़े की जिंदगी जी है मैंने, लेकिन अब मेरा टाइम चल रहा है। अच्छा बताओ, घुसखोरी कहां नहीं है? पैसे से बिकने वाले पत्रकार नहीं है क्या? हमारे गुनाहों को छुपा दे ऐसे एडिटर नहीं है क्या? हम उन्हें पसंद तो लीडर, नहीं पसंद तो ब्रोकर, ऐसे पत्रिका छापने वाले ओनर नहीं होते क्या? और उनसे पूछे तो बताएंगे पत्रकारिता ही हमारा धर्म है। वैसे ही राजनीति मेरा धर्म है भाई। अरे चल, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं अपनी जगह सिंसियर। गले में मेडल पहनना चाहते हो, पहन लो। यादव साधु ने 100 करोड़ का घोटाला किया, सड़क बनाने वाले रामविलास ने 200 करोड़ का घोटाला किया। ऐसे ऐसे लीडर की इंक्वायरी टीवी सीरियल के एपिसोड की तरह दिखाऊंगा, उन्हें पकड़ना। लेकिन मुझे छोड़ दे भाई। ये तुम्हारे लिए ब्लैंक चेक है, तुम जितना चाहे उतना भर लो।
पैसा नहीं चाहिए तो छोड़ दो। बीच सड़क पर खुजली वाला कुत्ता या गधा काम कर रहा है ऐसा सोच लो तो फिर क्या करोगे? मुंह दूसरी तरफ फेर कर तुम चले जाओगे ना? वैसे ही मेरे तरफ से भी मुंह फेर लो भाई। ये हाथ नहीं पैर समझो, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं गणेश, मुझे बचा लो एक बार, मुझे एक बार बचा लो मेरे भाई। ओरिजिनल फाइल मेरे मुंह पर मार दो भाई। कॉफी पीजिए। लेकिन वो फाइल। कॉफी पिए उसके बाद फाइल दोगे ना? पहले कॉफी पिए। अब बताओ मेरे भाई। मैं एक इज्जतदार इंसान हूं, घर आए मेहमान को बहुत चाप पागल कुत्ते ऐसा नहीं कहता, आया है कॉफी पी और कल्टियो। पैर पकड़ने के बाद भी मना किया। अब आएगा असली मजा, तेरा गुस्सा पसंद आया। लेकिन मेरे भाई तुझे बदलना होगा। चलता हूं मेरे भाई। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा काम किया सर। किस बात की बधाई दे रहे हो? क्या सर, आपने मदर टेरेसा फाउंडेशन को 50 लाख रुपए डोनेट किया है ना सर? इतना भला काम करके अनजान क्यों बन रहे हैं सर? मंत्रिमंडल में शिव शंभु नाम के एक और मंत्री हैं, उन्होंने दिया होगा। चेक नंबर के साथ डिटेल भी हमें मिला है सर। क्या फिक्सिंग कर रहा है गणेश? मालिक मदर टेरेसा फंड की तरफ से ग्रीटिंग आई। भाई सीएम के यहाँ से फोन। हेलो सर। क्यों भाई, पार्टी फंड के लिए पैसा मांगा तो रोने लगते हो? 50 लाख रुपए तुम्हारे बाप का था जो दान कर दिया। वो तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, नई पार्टी बनाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट करवा रहे हो। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। जब तक तुमको कुर्सी से नहीं हटाऊंगा तुम सुधरोगे नहीं। याद रखना। हाँ सर, थैंक यू। सीएम का फोन था। मानव सेवा ही मानव धर्म है। मानव धर्म ऐसा अच्छा काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही आशीर्वाद दिया उन्होंने। आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा। नमस्ते 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 नमस्ते। कल सुबह वो बीच सड़क पर होगा। ये टेंशन ये गुस्सा बंद कर दो। तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम पहले अपना ख्याल रखना। रामपुर पहुंचते फोन करना भूलना नहीं। आर्टिफिशियल पैरों पर ज्यादा मत चलना प्लीज। ओके ठीक है। भैया रेलवे स्टेशन पर भी क्लास ले रहे हैं क्या? थोड़ा रुको ना। ये लो दीदी। बाय दिव्या। बाय दीदी। बाय। लड़के को देखा क्या, पसंद आया ना? मुझे लड़के को देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भैया गणेश बहुत शरारती हैं। भैया जिस भी लड़के को पसंद करेंगे मैं आग बंद करके उसी लड़के से शादी करूंगी। मतलब तुम दूल्हे राजा को नहीं देखोगी? नहीं देखूंगी। अरे सभी ऐसा ही कहते हैं, तुमको वहाँ पर ले जाकर सामने खड़ा करके फिर बोलूंगा राइट से दूसरा लड़का तो नहीं देखोगी क्या? बिल्कुल नहीं। हे सुपर मॉडल जैसा है, चांस मिस कर रही हो। नहीं देखूंगी। अरे सुनो मुझसे गलती हो गई, मेरा दिमाग काम नहीं किया, राइट में नहीं है लेफ्ट में, देखो ना। नहीं देखो, देखो, तो सही, देखो तो सही, ना अरे देखो तो, अरे देखो ना। अरे पसंद आ गया, आ गया लगता है पसंद। हाँ हम सबको भूल गए, पिताजी को भूल गए। हाँ अब तो सीधा ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड। जाओ ना भैया। गणेश बापू। हाँ हेल्थ मिनिस्टर के सारे डिटेल्स आ गए, छप गए, आप खुद ही देख लीजिए। अरे मेरा आर्टिकल नहीं छपा क्या? मुझे क्या पता, एडिटर से पूछिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आया पापा, आप उनसे बात कीजिए। पिताजी मुझे अर्जेंट काम है, मैं बात करूंगा। बेटा संभाल के। एडिटर साहब है? वो कल शाम को ही बेंगलोर चले गए। लेकिन वो तो कल जाने वाले थे। गणेश साहब आपको फोन। हेलो। जय बोलो गणेश महाराज की। तूने इतनी मेहनत करके वो मैटर लिखा और अखबार में छपा नहीं? अरे बच्चे वो प्रेस में नहीं, मेरे पास है। क्या लिखा था? आरोग्य बेचने वाला हमारा रोगी मंत्री, शाबाश। सिर्फ 10 लाख उसके मुंह पर मारे,
जैसे डुक्कर कीचड़ में लेट कर खुश होती है ना, वैसे ही खुश होकर उसने वो मैटर मुझे दे दिया। तेरा सब एडिटर, तूने तो कहा था नहीं बिकेगा। तुझे अपनी अकड़ दिखाकर मुझे फालतू साबित करके क्या मिला? तेरी जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई। फिर अब देख सब कुछ पलट गया ना, मैं हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ पब्लिक का भगवान भी बन गया हूँ। हम दोनों के बीच कोई तीसरा ही 10 लाख रुपए लेकर चला गया। अब वो हम दोनों को एड़ा बनाकर चोली के पीछे क्या है गाकर पेड़ा खा रहा होगा, और तू गणेश महाराज की हमेशा जय हो। ऐ अब कहाँ गई तेरी खुददारी? पत्रिका के खबर को पब्लिक में मर्डर किया। ए, पीछे मुड़ के देख, तेरी बहन को ब्लैंक चेक की तरह घर पर छोड़ आया है, और इस बीच कोई घर में घुसकर आ गया तो क्या होगा मेरे भाई? जा जाकर चेक कर, जल्दी जा। पिताजी, पिताजी है सर, प्लीज इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी इमरजेंसी, सबको इमरजेंसी। तुम चुप करो, सुनो गणेश सर, कम ऑन हरी अप, जल्दी करो। गणेश तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा बच्चा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, हे भगवान मैं क्यों सरकारी अस्पताल में आई, मेरा बच्चा। बेटा आपके पिताजी को आईसीयू रूम में लेकर गए हैं, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, जाओ जाओ जल्दी जाओ, चलो जाओ। बेचारे मासूम, पापा को कुछ नहीं हुआ ना, पापा ठीक तो है ना? पापा को कुछ नहीं हुआ गंगा, तुम जाकर देख सकती हो। गणेश तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। क्या आनंद, और वो कैसे हैं बताओ ना। गणेश बात सीरियस है इसलिए तुम्हें बाहर लेके आया, पिताजी के सर से काफी खून बह चुका है, एक मेजर सर्जरी करनी होगी। तो फिर जल्दी करना यार, इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए फैसिलिटी नहीं है यार, कोई अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, मैं पास रहकर ऑपरेशन करवा रहा। लेकिन सर्जरी के लिए 2-3 लाख तो लगेंगे। 2-3 लाख? हाँ यार, नहीं तो पापा को बचा नहीं पाएंगे। इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं यार? दूसरा रास्ता नहीं है गणेश, 24 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन करना है, एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करो, पापा को मैं देख लूंगा, तुम जल्दी से जाओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, पैसा तो मिल जाएगा ना? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो गणेश, सेठ जी बहुत बड़े साहूकार है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है? मुझे पैसे चाहिए सर, ये लीजिए घर के कागजात, हैदराबाद में मेन सेंटर में फ्लैट है सेठ जी, खुद का फ्लैट है सेठ जी, ब्याज भी लेंगे तो चलेगा,
कुछ भी करके 2 से 3 लाख रुपए दे दीजिए प्लीज सर, मेहरबानी कर दीजिए सर। कॉर्नर फ्लैट है ईस्ट फेसिंग, जगह बहुत अच्छी है, पैसा वसूल हो जाएगा। सुनो न्यायमूर्ति, हाँ सर जी, ये कागजात रजिस्टर ऑफिस ले जाओ, ईसी करवा के सभी करेक्ट है या नहीं देख लो। ठीक है सर जी। देखो भाई, एक हफ्ते बाद मैंने जो वादा किया है तेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना? क्या है ना कि इस धंधे में जबान की कोई कीमत नहीं होती। सेठ जी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सेठ जी, ये डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल है सेठ जी, मुझ पे शक मत कीजिए सेठ जी, मेरे पास टाइम नहीं है, 24 घंटों के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरे पापा नहीं बचेंगे सेठ जी, चाहिए तो मैं फ्लैट अभी खाली कर देता हूँ, लेकिन मुझे ये पैसा भी दे दीजिए सेठ जी प्लीज। सेठ जी आप दया करेंगे तो मेरे पापा बच जाएंगे सेठ जी। न्यायमूर्ति वो कागज दे दो। तुम्हारी परेशानी समझता हूँ भाई, पर मैं अपने दिमाग से धंधा करता हूँ, दिल से धंधा करूंगा तो वापस प्लेटफॉर्म जाकर चना बेचना पड़ेगा। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो एक हफ्ते बाद आकर ले जाना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो पान खा के जाओ। अरे तुम क्या सुन रहे हो, अपना काम करो, चलो ठप्पा लगाओ। मैडम डॉक्टर राजगोपाल। हाँ गणेश कैसे हो तुम? पिछली बार के आर्टिकल में तुमने जो मेरा फोटो डाला था वो मेरे स्टाफ को बहुत पसंद आई। फिर कोई इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू नहीं सर, मेरा पर्सनल काम है। पर्सनल काम, उसके लिए तुम अपॉइंटमेंट लेके आओ। दरअसल सर मेरे पिता, तुम्हारे पिताजी ठीक है ना? ठीक है, सब आपकी दया है। मेरी दया नहीं है, पैसा है पैसा। पैसा हो तो इंडिया में मरने वाले को भी बचा सकते हैं। बिल तो भर दिया ना डॉक्टर साहब, भर दिया। हाँ तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारा भाई? नहीं सर पिताजी सर। मालनी गुड मॉर्निंग सर। आंखें लाल है, रात को नाइट ड्यूटी पर थी क्या? आप भी सर। अरे क्या पागल शर्माती है तू। हाँ क्या कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज सर। चले गए क्या? नहीं सर, लेकिन बहुत सीरियस है सर। तुम्हें पता है ना यार, अपना हॉस्पिटल ब्रेन हेमरेज के लिए शहर में नंबर 1 है। तुरंत पैसा भर दो और उन्हें एडमिट कर दो। जी सर, लेकिन पैसा क्या यार, कितना पैसा होगा? यही कोई 2,50,444 रुपए होगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर। पैसे नहीं है तो कैसे होगा भाई? सर एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए सर। सर मेरी बात सुनिए, ये देखिए मैं घर का कागज भी लेके आया सर। कागजात लेकर पैसे देने के लिए कोई फाइनेंस कंपनी है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल है। जी सर, लेकिन सर एक सर्विस, एक सेवा। सर्विस? नो सर्विस इज फ्री इन इंडिया, सब कुछ बिजनेस है। देखो भाई सेंटीमेंट से बिजनेस कैसे चलेगा। हेलो कौन? डॉक्टर रेड्डी जी बोल रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उससे पीछा छुड़ा कर तेरे को फोन करता हूँ। सर ऐसे मत बोलिए सर, सर मैं आपका पैर पड़ता हूँ। ये क्या भिखारी की तरह, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे जो भी सोचे सर, मुझे आपकी मदद चाहिए सर। सुनो एक काम करो, उनका ऑपरेशन उसी हॉस्पिटल में करा लो, कम से कम उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। यहाँ ऐसा ही होता है। गंगा क्या हुआ भैया, पैसों का इंतजाम हो गया ना? पैसा भरना ये तुमको किसने कहा? छुपा रहे हो ना मुझसे, मुझे पता है पैसा नहीं मिला ना, पापा को कुछ हो जाएगा सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तू चिंता मत कर, पैसे का इंतजाम हो गया है। हाँ मैंने कर लिया है। हाँ सच्ची भैया? हाँ तू निश्चिंत हो जा और तू रो मत, बिल्कुल मत रो। तूने सुबह से कुछ खाया क्या? भैया आपने कुछ खाया? हाँ मैंने खाया ना। हाँ बहुत खाया। ये ले पैसे ले, अब तू खा के आ जा, जा। हाँ जा। ए, कहां जा रहा है? अरे वो मेरे पिताजी। उसे वहां जनरल वार्ड में रख दिया, जाके देख ले। पापा, 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 यहां पे। अरे तू रो क्यों रहा भाई? ये मेरे पिताजी हैं, इन्हें यहाँ क्यों लेटा है? हद तेरी की, यहाँ सिर्फ एक दिन का बेड मिलता है, वो समय पूरा हो गया, कल इस समय तेरा बाप शमशान में लेटा होगा। सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? मैं क्या करूँ भाई, मंत्री के बेटे को बलात्कार के इल्जाम में अरेस्ट करके जेल ले जा रहे थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा, पड़ा के नहीं पड़ा पता नहीं, उसे एसी रूम में रख दिया और तेरे बाप को यहाँ जमीन पर पटक दिया। हेलो गणेश, पहचाना नहीं? मैं हूँ गुरुमूर्ति, हेल्थ सेक्रेटरी, बहुत दिनों बाद मिले, आओ चल के बात करते हैं। हाँ कोई न्यूज कवरेज के लिए आए हो यहाँ पर? हाँ गणेश, क्या क्या हुआ, कुछ बताओ तो। मेरे पिताजी, हाँ ब्रेन हैमरेज, उनका ट्रीटमेंट रुका हुआ है।
2-3 lakh की मांग की इन लोगों ने। इतना पैसा मैं कहां से लाऊं सर? आईसीयू में रखे हुए थे वो, उठा के बाहर फेंक दिया लोगों ने। मेरे पास पैसे नहीं है ना। रास्कल्स, कौन है वो? कौन है जो तुमसे पैसा मांग रहा है? डॉक्टर आनंद, मेरा दोस्त। वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। शहर में कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट आता है तो पहले जनरल हॉस्पिटल में आता है। यहाँ के डॉक्टर ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहते, कमीशन के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं रास्कल्स। अच्छा, तुमने डीन से बात की कि नहीं? नहीं सर। कम से कम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन तो करवाया है ना? मुझे किसी ने बताया नहीं। जर्नलिस्ट हो, इतना भी नहीं पता? चलो ठीक है, मैं डीन से बात करके सब अरेंजमेंट करवाता हूँ। कल सुबह 11 बजे तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में होगा। मैं जबान देता हूँ, एनओसी भिजवाता हूँ, साइन कर देना। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। गणेश, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। आप गणेश हैं? जी सर। ऑपरेशन करने के लिए इस पर आपकी साइन चाहिए। आपने साइन कर दिया ना, आप टेंशन मत लीजिए, आपके पिताजी का ऑपरेशन हो जाएगा। आप हिम्मत से काम लीजिए। गणेश, पैसों का इंतजाम हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? तुझे मैंने अपना दोस्त समझा, तू मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है? कौन सा बिजनेस, कैसी बात कर रहे हो तुम? चल जा, मुझे सब मालूम है। मेरे पिताजी का ऑपरेशन अब यहीं पे होगा। डीन से बात हो गई है और एनओसी पर भी साइन कर दिया मैंने। तू मेरे साथ बिजनेस मत कर। ये क्या बात कर रहे हो तुम? डीन तो 15 दिन से फॉरेन में है। अब इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज मैं हूँ, मेरे बिना कोई साइन नहीं ले सकता। तुमने कौन से पेपर पे साइन कर दिया? ए, उस दिन बहुत वारंट कर रहा था ना, ए देख वारंट लाया हूँ। क्या बे, मिनिस्टर को रिश्वत देने की कोशिश की तूने? उन्होंने मना किया तो तूने उन्हें मारा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ बे, ऐसा लिख के तूने ही साइन किया था। अभी भी नहीं समझा? ये देख तेरी एनओसी। अब क्या, चल हट, पूरी कहानी यही बताऊं क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेगुनाह। भैया, गंगा भैया, सर मेरी बहन सर, उसके सामने वो डर जाएगी सर, प्लीज सर। क्या हुआ भैया? उसे कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, छोटी सी इंक्वायरी है, मैं भी आया। चल सुन, इनका ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। क्या बेटा, हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे पुलिस से मार खिलवाई, ऐसा भी आर्टिकल छापेगा? इसलिए बेटा तेरी ऐसी ठोकाई कर रहे हैं जो ऊपर से ना दिखे, अभी पता नहीं चलेगा। 1 महीने बाद इस मार का निशान ऊपर आएगा, तब अपना आर्टिकल लिखना कि पुलिस की ठोकाई क्या चीज होती है। यहाँ पे मेरे पिताजी लेटे थे, मुझे क्या पता। हाँ, कहाँ गए? जाके वहाँ ऊपर देख, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। किसने मेरे पिताजी को वहाँ से शिफ्ट किया है? देखिए वहाँ ऊपर होंगे। सर मेरे पिताजी रामचंद्र को कहाँ पे रखा बताइए सर। क्या हुआ? ब्रेन हैमरेज। ब्रेन वार्ड में जाकर देखो। जी सर। सुनिए, मेरे पिताजी को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये ब्रेन वार्ड है ना। अरे उनका नाम क्या है? रामचंद्र। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो, देखिए नहीं पाते, चल जाके कहीं और देख। चल आ जाते कहाँ से। ए, कहाँ जा रहा है? सर मेरे पिताजी रामचंद्र का स्कैनिंग हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे पूछा तो कहा कि यहाँ पे स्कैनिंग रूम में देख लो, इसलिए आया। अच्छा, तो इसलिए बड़ा टेंशन में दिख रहा है। चल डर मत, मैं हूँ ना, यहाँ का A to Z सब मैं संभालता हूँ। वो देखो, वो आदमी जो बात कर रहे हैं ना, वो इस हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर है, तुम उससे बात करो। सर मिलने का टाइम खत्म हो गया है, मिलना है तो पीछे से आओ। सर मेरे पिताजी का ब्रेन हैमरेज का केस है, वो कहाँ पे है सर? ब्रेन वार्ड में देखा क्या? देखा सर। एक्सरे में? जी सर। लैब में? हाँ सर। स्कैन रूम में देखा? देखा सर। अब तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बचा है, मॉर्चुरी। सुनो गणेश, बहुत देर से मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहन और डॉक्टर आनंद केसी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। 5 बजे ऑपरेशन होगा बताने के लिए कहा था, मैंने बता दिया। केसी हॉस्पिटल?
गंगा बहन, गंगा बहन, गंगा बहन, गंगा बहन। गंगा भैया डरने की बात नहीं है भैया, पापा को मैंने यहाँ पर भर्ती करा दिया है। 5 बजे ऑपरेशन होगा, 2.5 लाख रुपए चाहिए थे वो भी भर दिया, 1 भी रुपया कम नहीं हुआ। पता है कैसे गंगा? आप जल्दी आऊंगा कहकर गए थे ना, जब आपका एक फोन आया तो मैंने अटेंड किया, हेल्थ मिनिस्टर लाइन पर थे, उन्होंने पूछा तुम्हारे भैया कहाँ है, मैंने कहा मेरे भैया ऑपरेशन के पैसों के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा कितने पैसे, मैंने कहा 2.5 लाख रुपए, बोले पैसे मैं दूंगा, पूरे 2.5 लाख रुपए मैं ही दूंगा, 1 भी रुपया कम किए बिना, लेकिन घर पे आओगे तो नहीं दूंगा, मेरे गेस्ट हाउस में आओगे तभी दूंगा भैया, गेस्ट हाउस में आऊंगी तभी दूंगा। मैं चली गई, पापा के ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था ना, मैं चली गई भैया, मैं चली गई। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन, माफ कर दो भैया, मुझे मत छुओ, मुझे मत छूना भैया, मैं छूने के काबिल नहीं भैया। गंगा ऐसा, मैं मर जाऊंगी भैया, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी भैया, मैं मर जाऊंगी भैया, मैं मर जाऊंगी। गंगा, 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 डॉक्टर साहब मेरी बहन को अभी देखता हूँ। ये कैसे हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ सर एक्सीडेंट। अच्छा पुलिस कंप्लेंट किया है ना, FIR दर्ज है ना, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? I'm sorry, let's go. डेड बॉडी को यहाँ नहीं रख सकते, इसे मुर्दा घर ले जाना होगा। हे गणेश तुम इधर आओ, ऑपरेशन का टाइम हो गया है। गंगा मेरी बहन, Thank you.
गणेश। हाँ पापा। गंगा कहाँ है? वो पापा, बुलाओ उसे, मैं देखना चाहता हूँ। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए वो भगवान के पास गई, बस आती होगी। अब मेरा भरोसा नहीं है बेटा। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। सुनो बेटा, तुम मर्द हो, कैसे भी जी सकते हो। वो बिन माँ की बच्ची है बेटा, तुम उसका ख्याल रखना बेटा। बिल्कुल। उसके लिए अच्छा घर, पसंद के लड़के से शादी करना। पिताजी, जिंदगी भर उसका सहारा बने रहना। जी बिल्कुल। वादा करो बेटा। वादा करता हूँ। वादा पिताजी, वादा करो। की नजर में पापा को गंगा को हो सकता है मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने इन दोनों को मारा है। इन सब का कारण बना उस संभाशिव, जिसे खत्म करना एक समस्या बन गई। उसे मारूंगा तो दूसरा आएगा। मेरी लड़ाई जज साहब से नहीं, सिस्टम से है, यह समझाए अपने आप को। और तब मैंने औजार बदल लिया। किसी को भी शक आए बिना मेरे लक्ष्य को पाना है तो जेल में ही मुझे जाना होगा। कोई भी गुनाह किए बिना जेल कैसे जाऊंगा यह सोचकर आत्महत्या की कोशिश की मैंने। जो बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई वो आज मैंने तुमको बताई है। तुम सच में अगर समझदार लड़की हो तो मुझे प्यार करके अपने आप को धोखा मत दो। मुझे लगता है तुम समझदार हो। ओके बाय, सी यू, हाय, ओके बाय बाय फ्रेंड, बाय, सी यू। ये खुले सांड की तरह तुम लोग बाहर आ गए, किसने छोड़ा रे? सजा पूरी हो गई। हम लोग जा रहे हैं ब्रदर। बाय, सी यू। सजा पूरी हो गई। सजा पूरी हो गई। आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए बॉडी कूल करने के लिए ऊटी जा रहे हैं। 2 महीने के बाद हम सब लौट करके आ जाएंगे। मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो टेप दिखाना है, आइए। यही है वो, उस फंक्शन में इसने मेरा गला दबाया था। कौन है ये, कौन है ये लड़का? 1 मिनट सर। अच्छा, ये तो जर्नलिस्ट है। इतने दिनों से मुझे पागल बनाकर बंदर की तरह नचाया, छी छी छी, बहुत परेशान किया मुझे। उसे जीने नहीं दूंगा। पुलिस कमिश्नर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे घसीटकर मेरे पास लेकर आओ। उसे जान से मारने तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा।
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ। अरे दिव्या जी, मैं अशोक बात कर रहा हूँ। हेल्थ मिनिस्टर पर हमला करने वाला गणेश है, ये उसे पता चल गया है। आप गणेश को कहिए वो संभल कर रहे। आपको हेल्प करने वाले सारे ऑफिसर्स को ये बात बता दीजिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाप रे, लूज मोशन शुरू हो गया है यहाँ पे। खाली है। हेल्थ मिनिस्टर को सब कुछ पता चल गया है गणेश, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन दिव्या क्या आईएस मैडम, पैर तोड़ते समय तेरा गला भी काट देना चाहिए था, गलती हो गई। चल अब बता तेरा गणेश कहाँ है, जल्दी बता क्यों कर रही है सब। ओ, बदला लेने के लिए नहीं बताएगी। प्योर पेट्रोल, झट से आग लग जाएगी। जल्दी बता कहाँ है गणेश, बता जल्दी बता डार्लिंग। तू नहीं बताएगी तो वैसे भी हम उसे ढूंढ लेंगे, बता दे शायद तू बच जाए, बता। तो गणेश को तो क्या, उसकी परछाई को भी पकड़ नहीं पाएगा। हेलो, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ, उस पत्रकार को पकड़ लिया है। कहाँ है वो? मेरे पास है। अच्छा हुआ, मेरा सारा पैसा उस गणेश के पास है, वो बहुत चालाक है। तुम कुछ भी करके उसे मेरे पुराने होटल के पास ले आओ। ओके। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। क्यों रे, सब चुपचाप आ रहे हैं, अंधेरे में डर लग रहा है क्या? अरे कोई तो बोलो। ये क्या है भाई, सब के सब मर गए, ये क्या चल रहा है यहां पर? तू चुपचाप क्यों खड़ा है? अबे कुछ तो बोलना। देखो, हेल्थ मिनिस्टर को मैं अपनी कस्टडी में लेकर तुझे छोड़ रहा हूं, तेरी ड्यूटी करने के लिए नहीं बल्कि मेरी ड्यूटी करने के लिए। गुड मॉर्निंग, फॉर्मेलिटीज बाद में निभाना, पहले जो कहता हूं उसे सुनो। जेल से भागे हुए अपराधी गणेश ने हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लिया है, पूरे पत्रकारों के साथ गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को सरकारी हॉस्पिटल के पास आने को कहा है, नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर की जान को खतरा हो जाएगा। जाओ सबको इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर,
उस गणेश ने टीवी चैनल वालों को, प्रेस वालों को, पब्लिक को सरकारी हॉस्पिटल बुलाया है। पूरी जनता उसके साथ है सर। डैम इट, अगर उसने मुंह खोला तो सारे नेता सड़क पे आ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वहाँ बात करने का चांस नहीं मिलना चाहिए। सारी पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में हर जगह उसका इंतजार करेगी और गणेश को आते ही अरेस्ट कर लेगी। याद रखना, हेल्थ मिनिस्टर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई फायदा नहीं मिस्टर गणेश, यू आर अंडर अरेस्ट। खत्म कर दो। हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है बताओ। हटो 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 हटो, दूर हटो। किसी ने भी बंदूक चलाई तो वहां तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर फट जाएगा। कल तक जेल में रहने वाले के पास इतना पैसा कहां से आया, ये सोच रहे ना आप? ये आपका पैसा है, आपका पैसा। ये लो, ले लो माजी। यस, ये जनता का पैसा है, जनता की सेहत के लिए सरकार का दिया हुआ पैसा है, जिसे जनता को ना देकर छिपा कर रखा गया था। उनकी मदद के बिना आप जैसे व्हाइट कॉलर वालों का लूटा हुआ पैसा है, तेरे जैसे लीगल गुंडों से हजम किया हुआ पैसा है, महीने महीने उन लोगों के बोटियों पर पलने वाले तेरे जैसे कुत्तों का पैसा है ये। और जिन लोगों ने ये पैसा लुटाया है, हॉस्पिटल के अंदर तो गए लेकिन बेड खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं, मशीनरी खरीदने के लिए उनके पास माल नहीं है, इमरजेंसी दवाई खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। मगर ये सब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है ना, जनरल हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता, ये पूछने पर लो बजट कहते हैं। व्हाट मिस्टर हेल्थ सेक्रेटरी, आपके डिपार्टमेंट में 43 करोड़ लो बजट तो है, 7 लाख की जायदाद कहने वाले आपके हेल्थ मिनिस्टर के पास 70 करोड़ कहां से आए? कम ऑन, टेल मी। सो पैसा है, देयर इज मनी। बेटे की अय्याशी के लिए लड़की खरीदने के लिए पैसा है, एक मामूली सी लाल चीटी काटने पर विदेश जाकर इलाज करने के लिए पैसा है, साल में एक बार 750 करोड़ खर्च करके इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा है, लेकिन गरीब के इलाज के लिए कभी इनके पास पैसा नहीं होता है। क्यों? गरीब को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, और अगर वो पड़े तो उसको मर जाना चाहिए। मतलब यहाँ गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है क्या? यहाँ काम करने वाले सभी डॉक्टर गलत है, यही कहना चाहते हो? नहीं, आप में भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, आर ऑल ऑफ यू जेन्युइन? डोनेशन भर के डॉक्टर बनने के बाद पहले साल में भरपाई नहीं करते, पेट फाड़ कर उसमें कैंची रखकर सिलाई करने वाले आप जैसे महान डॉक्टर होते हैं, जनरल हॉस्पिटल वाले को प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता दिखाने वाले आप होते हैं, आखिर में सर दर्द वाले को कमीशन के लिए शहर के सभी हॉस्पिटल घुमाने वाले एजेंट आप हैं। अब रोगी अपनी बीमारी से कम डरता है और आपके ट्रीटमेंट से ज्यादा डरने लगा है। यस, यहां डॉक्टर मरीज को बचाता नहीं है, मार डालता है। वहां बाहर सोकर उल्टी करने से तो 100 गुना अच्छा है कि अपने ही घर पर सोकर मर जाए। दिस इज रिडिकुलस मिस्टर गणेश, डू यू हैव एनी सब्सटेंशियल एविडेंस टू प्रूव योर एलिगेशन? व्हाट इज रिडिकुलस? हैव यू एवर गॉन थ्रू अ मेडिकल जर्नल? डू यू नो दैट 75 करोड़ इंडियन पीपल आर नियरली 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ बेसिक ऑपरेशन टेबल? डू यू नो दैट 1 लाख वुमेन आर डाइंग ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेरिलाइज्ड मेडिकल प्लेट्स टू कट देयर अम्बिलिकल कॉर्ड? डू यू नो दैट द कॉस्ट ऑफ वन बाईपास सर्जरी इज इक्वल टू 10 इयर्स इनकम ऑफ एन एवरेज इंडियन? इज दिस एनफ, और डू यू वांट मोर एविडेंस? बड़े विद्वानों की तरह प्रवचन दे रहे हो। आबादी बढ़ती चली जाएगी तो सरकार भी कहां तक काम करेगी, इसीलिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल बनाकर मेडिकल सर्विस दे रहे हैं। आइए आइए, अरे कोई बात नहीं, आइए। ये कौन है आप जानते हैं? डॉक्टर राजगोपाल, एमबीबीएस एफआरसीएस। इसी सिटी में मेन सेंटर में एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया इन्होंने, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, सेंट्रलाइज्ड एसी, लेटेस्ट इक्विपमेंट, हर साल एक ब्रांच ओपन करके सर्विस देते हैं ये। लेकिन 2.5 लाख के बिना अगर कोई हॉस्पिटल में आता है तो उसको धक्के मारकर निकाल देते हैं ये। मिस्टर गणेश, कीप क्वाइट डॉक्टर राजगोपाल, आरोग्य को बेचना आपके डिक्शनरी में सर्विस कहते हैं, शर्म नहीं आती? असल में ये सफेद कोट तेरे बदन में कैसे आई तूने सोचा क्या? इसके लिए एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। किसके बाप के पैसे से पढ़ा तूने? ऐसे एक डॉक्टर को तैयार करने के लिए सरकार को 12 लाख का खर्चा आता है। ये 12 लाख किसके? मेहनत मजदूरी करने वाले गरीबों के है, नौकरी कर पेट भरने वाले मिडिल क्लास लोगों के, ईमानदारी से कमा के उन पैसों से नमक दाल लहसुन खरीदते हैं,
ऐसे खरीदे हुए चीजों पर टैक्स लगाती है सरकार। उस टैक्स में से 12 लाख रुपए सरकार एक आदमी पर खर्च करती है। ये देखिए, और ये भाई साहब डॉक्टर बन गए। अगर तू ये भूल गया तो लाल खून को सफेद दूध बनाकर पिलाने वाली तेरी माँ को तू भूल गया। बता हमारे नेताजी कहाँ हैं? किसने किसने आवाज दी? कौन है तेरा बाप? बदन के शर्ट पर ढंग से बटन नहीं है, पहनी भी धोती भी तेरी साफ नहीं है। तुझे देखकर लगता है कि अपने नेता के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने वाला मरीज है तू। तू बीमार पड़ा तो तेरा नेता तुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेगा, यही डालेगा जनरल हॉस्पिटल में। इलेक्शन में हाथ में झंडा जेब में 100 रुपए डालकर जीत कर तुझे भूल जाने वाला और कोई नहीं, तेरा नेता है। कब सुधरोगे तुम लोग? कब सुधरोगे? ये कभी नहीं सुधरेंगे गणेश, इस जन्म में नहीं सुधरेंगे। इनसे तो अच्छे म्युनिसिपैलिटी के कुत्ते हैं, थूकने का दिल करता है इनके मुंह पे। तेरी बात सच है गणेश, बिल्कुल सच है। ये हॉस्पिटल किसी काम का नहीं है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन्हें आंखों से देखा है बेटा, देख इस बच्चे को देख, इसके बाप को कितनी नहीं कह के मार दिया, इसके माँ को भी मार दिया, इसे अनाथ बना दिया है, इसे अनाथ बना दिया है। अब इसका क्या होगा गणेश? दुखी मत हो माँ जी, इस अस्पताल ने मुझे भी अनाथ कर दिया है। सरकारी अस्पताल में गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है, आज इसलिए मैं अनाथ हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में पिताजी की जान बचाने की कोशिश में मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। इस सिस्टम को बदलने की कोशिश में मेरे दोस्त ने अपने पैर गंवा दिए। देखो गणेश, मैं मानता हूँ तुम्हारी सारी बातें सच हैं। ये सच है कि आज बहुत सारे लोग अपना फर्ज भूल चुके हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जनता का विश्वास जीतने के लिए काम करना होगा, करेंगे? तुम बोलो तो सही। अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़े तो उसको यहीं पे भर्ती करना होगा, करेंगे आप? आपको तो सिर्फ ये सोच के डर लग रहा है, और ये तो मेरे साथ हुआ है। हम हॉस्पिटल समझकर नहीं आते, मंदिर समझकर आते हैं। आप लोगों को केवल डॉक्टर नहीं समझते, देवता समझते हैं। और आप लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं आप। हर बात पे हम सभी आपके पैरों पर गिड़गिड़ाते हैं और आप हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए गणेश, इसका समाधान क्या है? आखिर समस्या का एक ही हल है क्या, रिवेंज? नहीं, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एट ऑल लेवल्स। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। पैसे ना होने की वजह से किसी की जान ना जाए और किसी का परिवार ना बिखरे। हमारे देश में डॉक्टर लोगों ने कई बार स्ट्राइक किया है और हर बार अपने फायदे के लिए ही किया है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए कभी किया है? आज से आप सभी लोग सच्चाई और ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों का भला कीजिए। हर आदमी का बस एक ही सपना होता है कि वो हमेशा सेहतमंद रहे। चपरासी से लेकर डॉक्टर तक रिश्वत लेना बंद कर दे। क्या आपके पास पैसा नहीं है इसलिए रिश्वत मांग रहे हैं आप लोग? वो लोग तो आपसे भी गरीब है, आप उनको लूटना चाहते हैं? गरीबों के खून चूसने वाले हर उस नेता से मैं पूछना चाहता हूं, मनी की दुनिया से मानवता की दुनिया में आइए। अपने रिश्वत के पैसे से अगर थोड़ा भी खर्च करो तो हर गांव में एक जनरल हॉस्पिटल होना साकार हो सकता है। इतने दिन हमारे पेट पर उन्होंने लात मारा, हम चुप रहे। हमारा हक छीन लिया, हम चुप रहे। नौकरी के नाम पे दौड़ाया, सहन किया। जब मन किया लगान पे लगान लगाते रहे और फिर भी हम लोगों ने सहन किया। राजनीति के मार्केट में हमारे श्रम को, विश्वास को, जिंदगी को किलो के हिसाब से बेचा, फिर भी हम चुप रहे। और हम बिकते चले गए, जात के नाम पे हमें लड़ा दिया, तहलका मचा दिया। हम आपस में लड़ मरे लेकिन आपको हमेशा सराखों पर बिठाया। सब कुछ सहेंगे सोचकर, जिस दिन तुम हमारे सेहत के साथ खेलने लगोगे, जिस दिन हमारी जिंदगी के साथ खेलने लगोगे, उस दिन सारी जनता एकजुट होकर क्या करेगी मिस्टर गणेश? सबको खत्म कर देंगे। आज का दिन राष्ट्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा। प्रिया, गवर्नमेंट के रेड क्रॉस सोसाइटी को ये सारा पैसा दे दो। जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। ओके। आज से जनता का ये पैसा जनता पर ही खर्च होगा, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो भी हमारे जान के साथ सौदा करेगा वो खुद जिंदा नहीं बचेगा। मतलब मलिक को मार दिया क्या? नहीं, अभी तक बचा है, इसी अस्पताल में है वो। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, उसने कहा था। नर्वस शॉक से पीड़ित होकर एक जनरल वार्ड में उसकी ट्रीटमेंट आज चल रही है। आ, 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 आ,
अरे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। क्या रे, एक तो हेल्थ मिनिस्टर को ढूंढने में माथा खराब हो गया है, ऊपर से तेरा क्या नाटक चालू हो गया। तू मिनिस्टर है? अरे ये जनरल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल नहीं है तेरी तो। अरे मालिक, 2 बजे इसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद ये बचेगा तो तुम इसके घर इसको ले जा सकते हो। इस बीच अगर किसी ने इसको बाहर ले जाने की कोशिश भी की तो मैं इसी से ऑपरेशन कर दूंगा। हाँ मिस्टर गणेश, आपके हिसाब से इन्हें सामान ट्रीटमेंट दूंगा, लेकिन हमारे मेडिकल रूल्स के हिसाब से ऑपरेशन थिएटर में हर कोई नहीं आ सकता। प्लीज लेट मी डू माय ड्यूटी। आप पर भरोसा करता हूँ डॉक्टर। थैंक यू, कम ऑन। सर, हॉस्पिटल के पीछे एम्बुलेंस रेडी रखी है, बिना किसी को शक हुए हेल्थ मिनिस्टर को उसमें बिठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। और इस गणेश को? कुत्ते की मौत मारेंगे उसे। गणेश, वो लोग हेल्थ मिनिस्टर को पिछले दरवाजे से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने जा रहे हैं।
मर गया कमीना। Yeah! Yeah!